सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें सिनेमाघरों की शुरुआत के अलावा महिलाओं के लिए स्टेडियम में एंट्री और ड्राइविंग लाइसेंस और भी कई सारे चीज़ें खास तौर पर शामिल हैं। इसी क्रम में अब सऊदी अरब ने 2019 में कई और बड़े बदलावों की घोषणा की है। इस कदम के तहत सऊदी ने दुनिया के लिए दरवाजे खोलते हुए 2019 से टूरिस्ट वीज़ा देने का फैसला किया है। अगले साल से दूसरे देशों के लोग सऊदी में बतौर टूरिस्ट घूमने जा सकेंगे। हालांकि इसकी आंशिक शुरुआत पिछले हफ्ते से ही हो गई, जब देश में पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन हुआ। इसमें न सिर्फ दूसरे देशों से हजारों लोग बुलाए गए, बल्कि रियाद में एक बड़ा रॉक शो भी हुआ। देश के इतिहास में यह इवेंट पहली बार हुआ था। बदलाव की दिशा में न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि दूसरे मायनों में भी सऊदी के नरम और प्रोग्रेसिव छवि बनाने की दिशा में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर पहल हुई है। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए TNN न्यूज़ के साथ।